पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और आज हम नहले पे दहला में बाबा से जानेंगे कि नीतीश कुमार ने बुने हैं कई जाल जिसमें फंस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खतरे में है कुर्सी, राहुल गांधी ने खेल दी धुआंधार पारी। क्या है इन सब तमाम मुद्दों के पीछे की बात, अब हम सीधे बाबा से जानते हैं। क्या कहना है बाबा का इस पे? देखिए वेद, जो 2024 का चुनाव हुआ है उसने बहुत सारे रस रंग दिखाए हैं। 2024 के चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार बड़ी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए प्लानिंग बना रहे थे और ये प्लानिंग इतनी मजबूत उन्होंने बना दी थी कि लगभग 2.5 दर्जन से ज्यादा जो क्षेत्रीय दल हैं और राष्ट्रीय दल हैं वो मिल करके भाजपा के विरुद्ध एक अभियान शुरू कर चुके थे। उस अभियान में एक संगठन बना था जिसका नाम दिया गया था इंडिया गठबंधन। इस इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने बनाने में अपनी बड़ी महती भूमिका निभाई थी। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव हो गई थी और इंडिया गठबंधन का नाम इंडी गठबंधन पड़ गया था। भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ जहां नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के बढ़ते कद से परेशानी होनी शुरू हो चुकी थी और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने लिए रास्ता बना रही थी और वो भी अपने एनडीए को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में जब सब कुछ तय हो गया और नीतीश कुमार ने लगभग ये प्लान बना दिया था कि नरेंद्र मोदी को कहां कहां चौक करना है, कहां कहां नरेंद्र मोदी को मात देना है, ये बातें अब इंडिया गठबंधन के लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे और नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी सबको भाने लगी थी। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ क्या कि नीतीश कुमार जो महत्वाकांक्षा के साथ साथ अति महत्वाकांक्षा भी कभी कभी रखते हैं, उसी अति महत्वाकांक्षा में उन्हें इंडिया गठबंधन छोड़ना पड़ा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में चुनाव से पहले और इस लड़ाई के शुरुआत से पहले नीतीश कुमार को कुछ ऐसा बड़ा पद नहीं दिया गया जिससे नीतीश की नाराजगी साफ झलकने लगी थी। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए था, लेकिन वो अब गठबंधन का हिस्सा भी नहीं रहेंगे, उन्होंने अपने आप को इंडिया गठबंधन से एनडीए की तरफ स्विच कर लिया। लेकिन नीतीश कुमार जो प्लान बनाया था वो कांग्रेस को पूरी तरह से समझ में आ गई थी, कांग्रेस समझ गई थी कि आगे चलना कैसे है। अब इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि कांग्रेस जब 99 सीटें जीत करके आई और लगभग 150 से ऊपर सीटें जीत करके आई, आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन, उसके बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई कि विपक्ष इस बार काफी मजबूत हुआ है और पिछले 10 साल से जिस तरह से वॉक ओवर मिल रहा था सत्ता पक्ष को, वो मिलने वाला नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा जो कैच पॉइंट हो गया वो ये था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत में भी नहीं पहुंची थी तो नीतीश कुमार की भूमिका यहां भी बड़ी हो गई थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अब एक नए तरीके से लड़ाई लड़ने की ठान ली। कांग्रेस ने पहले तो कोशिश किया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर में आने नहीं दे, लेकिन उसके साथ साथ ये मुश्किल काम लग रहा था और बहुत कठिन था नरेंद्र मोदी को रोकना, क्योंकि एनडीए घटक दल के साथ 240 सीटें उनके पास थी, मात्र 32 की कमी थी, तो कोई भी किसी भी तरह का विद्रोह करके सत्ता पाने के लिए एनडीए के साथ हो सकता था। ऐसी स्थिति में विपक्ष में रहना ही बेहतर समझ करके कांग्रेस ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई और राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नेता में तीसरे नंबर पर आते हैं राहुल गांधी, यानी उनकी बात को आपको सुननी होगी। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब सत्र के शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में कांग्रेस की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी ने भाषण देना शुरू किया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलने लगी। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी काफी एग्रेसिव हैं और राहुल गांधी इस तरह के बयान जो दे रहे हैं उन बयानों में अब एक गहराई डेप्थ भी है। 90 मिनट से ज्यादा के उन्होंने अपने स्पीच में कई पंच लाइन दिए और कई पंच लाइन के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता असहज होते दिए। कई बार तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़ा होकर के इसका प्रतिकार करने लगे तो किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्हें भी उठना पड़ा। इसके साथ साथ स्पीकर ओम बिरला ने भी इस पर एक्शन लेते हुए राहुल गांधी के भाषण को लेकर के आपत्ति जाहिर की थी। राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वो बातें आपको सुननी जरूर चाहिए। हमने खबरों में आपको दिखाया था कि राहुल गांधी ने ऐसी कई बातें कही जो कहीं ना कहीं बड़ी चुभ रही थी भारतीय जनता पार्टी को और खास करके वैसे लोगों को
एनडीए के घटक दलों को जो राहुल गांधी अपनी बातें रख रहे थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस हमले का सत्ता पक्ष की ओर से काफी विरोध हुआ, भारी विरोध हुआ। खुद राहुल गांधी के भाषण के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठना पड़ा। उन्होंने राहुल गांधी पर पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहने के लिए पलटवार भी किया। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों ने आपत्ति जाहिर की, यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी उठना पड़ा। उसके साथ साथ अमित शाह के साथ साथ और भी कई लोगों को उठते हमने देखा कि जिस तरह से जो मामले सामने चल रहे थे उसमें राहुल गांधी लगातार बोले जा रहे थे और उनकी बातों का असर होता हुआ दिखाई दे रहा था। एक साथ आपको याद होगा कि अंबानी और अडानी को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान को भी काटा गया, तो कई ऐसी बातें, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी बातें हैं, ऐसे पंचलाइन हैं जिसे संसदीय कार्रवाई से हटाई गई, और ये राहुल गांधी की आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। खास करके विपक्ष काफी मजबूती के साथ राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से अखिलेश यादव की बात कर लें या फिर अन्य दलों की जो विपक्ष में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। हिंदुओं और हिंसा को लेकर के दिया गया बयान हटाया गया है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसक नहीं होते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी किया था और आरएसएस पर भी हमला किया था। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाती है, यह बयान भी संसदीय कार्रवाई से हटाया गया है। इसके बाद एक और पंचलाइन जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री की ओर देखता हूं तो वो नहीं मुस्कुराते हैं, यह बयान भी कहीं ना कहीं कार्रवाई से हटाया गया है। राहुल गांधी का अग्निवीर को लेकर दिया गया बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्निवीर सेना की नहीं बल्कि पीएमओ की योजना है, तो इसे भी कहीं ना कहीं आपत्तिजनक समझते हुए और संसदीय कार्य से इसे भी हटाया गया है। राहुल गांधी की टिप्पणी जिसमें कहा गया था कि कोटा में पूरी परीक्षा सेंट्रलाइज है और अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए है, इसे भी हटा दी गई है। तो वहीं अल्पसंख्यकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अनुचित व्यवहार को लेकर के दिए गए बयान को भी भाषण से हटाया गया है। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये बातें कही थी कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा फैलाने के आरोप लगाए हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें करती रहती है। उन्होंने दावा किया कि ये लोग हिंदू नहीं है, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर युवाओं, छात्रों और किसानों, मजदूरों, दलितों और महादलितों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, अल्पसंख्यकों के प्रति डर पैदा करने की बात कही थी। इसके साथ साथ लगातार जिस तरह से वो भाषण देते रहे और उस भाषण में जहां विपक्ष चटकारे लेता रहा वहीं सत्ता पक्ष असहज दिख रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, पूर्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खड़े होकर के और इसका विरोध करने लगे और उनके बयान को वापस लेने की बात की जा रही है। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपने बयान को वापस लें। ये सारी बातें तो आपने सुन ली, लेकिन वेद सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी प्लान और जिस तरह की रणनीति अपनाई गई है विपक्ष के द्वारा, ये सारी रणनीतियां नीतीश कुमार ने तब बनाई थी जब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के प्लान में यह सब कुछ शामिल था कि किस तरह से केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ साथ जेपी नड्डा की जोड़ी को, टिकड़ी को, चौकड़ी को घेरना है। और यही जो रणनीति है वो रणनीति अब अपना रही है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो विपक्ष है, यानी कि राहुल गांधी जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है वो पूरी मजबूती के साथ अब खड़े नजर आ रहे हैं। उनके बॉडी का लैंग्वेज और स्पार्क इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उनका बैकअप बहुत तगड़ा है, और ऐसी स्थिति में अगर यही हाल रहा तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए सरकार के लिए निश्चित रूप से मुश्किलें तो खड़ी करेंगे ही करेंगे। क्या होता है ये तो आगे देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तो आप मान के चलिए कि पिछले 10 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज कर रही थी सदन में, वो अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज बुलंद हुई है राहुल गांधी की और लगभग 100 सीटें वो जीत करके आए हैं, 99 सीटें जीत करके आए हैं, और ऐसे में उनकी ताकत भी बढ़ी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो कैसे इसको टैकल करते हैं। अभी भी एक मामला अटका हुआ है जो है उप सभापति की,
अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने बताया नहले पे दहला में कि किस तरह से अभी सदन में जो अभी बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो अभी इस तरह का जो बयान दिया है, आखिरकार क्या कुछ इसका नतीजा निकलकर सामने आएगा, जिसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। तब तक की और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।